नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों हम कर रहे हैं कक्षा छः की, कक्षा छः की दोस्तों, कक्षा छः की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3। हम चार प्रश्न कर चुके हैं दोस्तों, आज हम पांचवा और छठा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में रिक्त स्थान, जो ये रिक्त स्थान दिए हैं उसमें सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए संख्या क्या है दोस्तों, हमें नहीं पता पहला अंक, फिर है 6, 7, 2, 4। तो इस अंक को हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है दोस्तों। 3 से विभाज्य करना है तो 3 से विभाज्य करने की क्या कंडीशन है, इन सभी को जोड़ने पर 3 से विभाज्य होना चाहिए। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15, 4, 19। एक्स प्लस 19, 3 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से भाग हो जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, यही है ना कंडीशन। तो दोस्तों आप देखें 19 तो है ही, यहाँ पे यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स क्या जोड़ें कि ये पूरी तरह भाग हो जाए। तो दोस्तों आप 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, है ना दोस्तों, और भी अगर आगे लिखें 3300, 3336, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 19 आ रहा है, यानी 18 से ज़्यादा तो पहले ही है, 19 है यहाँ कहीं। तो इसमें क्या जोड़ें कि ये भाग हो जाए, 21 हो जाए। तो दोस्तों x अगर 2 जोड़ें हम, देख रहे हैं आप, x की जगह अगर 2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 21, और 21 3 से सीधे सीधे भाग कट जाएगा, यानी ये नंबर भी विभाजित हो जाएगा। ये कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटा तो हो गया 2, 2 जोड़ने पे ये विभाजित हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे अगर 2 रखा जाए, खाली स्थान पे अगर 2 रखें तो हमारा काम बन जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा ये। और कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या रखें इसकी विभाजित हो जाए, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 0, या तो 0 हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो यही 9 हो सकती है। अगर हम इसमें 9 रखेंगे दोस्तों, 9 रखेंगे तो 19 और 9 कितना होता है, 28, 28 तो विभाजित होता नहीं दोस्तों। मगर अगर 8 रखेंगे, अगर 8 रखेंगे दोस्तों तो 19 और 8 27, 27 अब भाग देंगे तो अब सीधे सीधे हो जाता है। यानी जो अधिकतम, जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे रख सकते हैं वो होगी 8, ठीक है दोस्तों। ऐसा करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रश्न में भी देखते हैं हम लोग, 4 + 7 + 6 + 5 + x मान लेते हैं, और 2, इसको हमें 3 से भाग देना है। देखते हैं दोस्तों, 7 × 4 11, 11 × 6 17, 17 × 5 22, 22 × 2 24, 24 + x, इसको हम 3 से भाग दें तो और ये विभाजित हो जाए। तो दोस्तों कैसे होगा, एक अंक है, ये है दोस्तों, ये है टोटल हमारे पास ऑप्शन, एक 0 से लेकर 9 तक, हम क्या इसमें रखें कि ये विभाजित हो जाए, और हमें 2 अंक जानने हैं, क्या हम सबसे छोटी संख्या रखें और विभाजित हो जाए, और कौन सी हम सबसे बड़ी संख्या रखें और ये विभाजित हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इसमें 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ 0 अगर रख देंगे तो दोस्तों ये 8 × 3 = 24, 3 × 8 = 24 हो जा रहा है विभाजित। तो सबसे छोटी संख्या जो दोस्तों इसकी है वो हो जाएगी 0, 0 रखने पे विभाजित हो जाएगा, यहाँ 0 रखने पे। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, दोस्तों जब ये 24 विभाजित हो ही रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 9 जब रखेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 24 × 3 = 27, 3 × 30 = 33, 33 33 भी जो 9 से विभाजित हो जाता है दोस्तों, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आ जाएगी 9। आप चेक भी कर सकते हैं, ये संख्याएं रख के आप विभाजित करके देखें विभाजित होता है कि नहीं, ये आपका होमवर्क। इसमें देखिए दोस्तों, निम्न स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाजित हो जाए। इस बार 11 की बातें कर रहा है ये, इस बार ये 11 की बातें कर रहा है दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं इनको भी, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं 11 से विभाजित होता है कि नहीं। आइए देखते हैं, ये वाला देखते हैं दोस्तों।
नौ दो, फिर एक खाली स्थान है, फिर 3 8 9। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो पहले सम संख्याएं देख ले दोस्तों, ये 2 4 और 6 कौन कौन से आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है 8, चौथे नंबर पे हमें नहीं पता है, और छठे नंबर पे क्या है 9। इसमें से हम अगर घटाएं पहले नंबर का 9 और तीसरे नंबर का 3 और पांचवे नंबर का 2, ठीक है दोस्त, कितना आ रहा है 8 9 17। 17 प्लस x, 17 प्लस x में से क्या घटाएंगे, 9 3 12 2 14, घटा दीजिए 17 में से, 17 प्लस x माइनस 14, यानी कि 17 में से 14 गया 3 प्लस x। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं 11 से विभाजित होने की कंडीशन क्या है। 11 से विभाजित होने के लिए जो सम संख्याओं पे, सम स्थानों पे जो अंक है उनको जोड़ें, और जो विषम स्थानों पे अंक है उनको जोड़ें, और आपस में उनको घटा दें, और घटाने पे या तो 0 आए या 11 आए। तो दोस्तों 0 तो करने के लिए हम x की वैल्यू -3 रखनी पड़ेगी, तो यहाँ -3 का तो कोई अर्थ बनता नहीं है, तो हम क्या जोड़ें कि 11 हो जाएगी। तो दोस्तों 8 यदि जोड़ेंगे, 3 प्लस x में बराबर 11 होना चाहिए, तो x बराबर क्या होना चाहिए, 11 माइनस 3 8, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 8। अब चेक करें क्या विभाजित हो रहा है, अब इस वाली संख्या में देखते हैं दोस्तों, इस वाली संख्या में देख लेते हैं विभाजित होता है कि नहीं, आइए देखते हैं दोस्तों। हाँ ये रही हमारी संख्या दोस्तों, 8 हमें नहीं पता, 9 4 8 4, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान चौथा पांचवा छठा, 6 अंकों का है दोस्तों ये भी, 1 2 3 4 5 6। तो हम पहले दूसरा चौथा छठा देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, दूसरे पे है 8, चौथे पे है 9, छठे पे है 8, इसमें से घटा देते हैं पहला तीसरा और पांचवे स्थान का, पहले स्थान पे है 4 और तीसरे स्थान पे है दोस्तों 4, पांचवे स्थान पे हमें ज्ञात नहीं है, हमें वही निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों कितना आ रहा है, 8 9 17, 17 और 8 25, 25 में से घटा दो, 4 4 8 प्लस x, 8 प्लस x हमें घटाना है, तो 25 माइनस 8 प्लस एक्स, 25 में से दोस्तों क्या क्या हम यहाँ पे जोड़ दें, x की वैल्यू क्या रख दें कि हमारा उत्तर जो है 0 आ जाए। तो x की वैल्यू दोस्तों देख रहे हैं आप 10 से ज़्यादा आ जाएगी, और जबकि हमें एक अंक चाहिए, एक ही अंक चाहिए। तो आप 25 में से 8 घटा दीजिए, 25 में से 8 घटेगा तो दोस्तों कितना आता है, 17, 17 माइनस x बराबर 0, तो करने के लिए हमें 17 चाहिए, तो 17 तो कर नहीं सकते, तो हम 11 11 लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तो हमें 0 या 11 कुछ भी आ जाए तो हमारा 11 से विभाजित हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 17 माइनस 11, 17 में से 11 कटाएंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। यहाँ दोस्तों अगर हम 6 रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों दोनों दोस्तों दोनों प्रश्नों का आप घर पे भी प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 8 और 6 रखने पर, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा, धन्यवाद दोस्तों।